आगामी नगर निगम चुनाव के लिए इंदौर में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के महापौर पद के संभावित उम्मीदवार विधायक संजय शुक्ला शहर भर में कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही पार्षद पद के भावी उम्मीदवार भी टिकट अपनी झोली में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शहर की सभी विधानसभाओं के प्रत्येक वार्ड में बूथ स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं और सभी सम्मेलनों में महापौर पद के संभावित प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बुधवार को देपालपुर और विधानसभा एक के सम्मिलित वार्ड क्रमांक 15 में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन गांधीनगर के परशुराम मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। सम्मेलन को विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने संबोधित किया। लगातार आज 53-54 दिन हो चुके हैं, उसी चीज को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिया कि हम लोगों को एक क्यों ना कांग्रेस परिवार भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो और किसानों के साथ खड़ा हो। वही चीज़ हमने लेकर माननीय कमलनाथ जी से समय लिया। कमलनाथ जी का आदेश आया कि जो भी प्रोग्राम हो वो शहर में ना होते हुए, क्योंकि किसानों का मुद्दा है तो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, इसीलिए देपालपुर क्षेत्र में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि देपालपुर विधानसभा में जब जब कार्यक्रम हुए हैं, माननीय कमलनाथ जी हो या कांग्रेस परिवार का कोई भी बड़ा लीडर आया हो, एक इतिहास रचा है और निश्चित तौर पर 24 तारीख के दिन एक नया इतिहास रचा जाएगा। मेरे 7 बूथ आते हैं, बाकी जितने बूथ आदरणीय विधायक विशाल पटेल के बीच में आते हैं, वो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर लाया गया और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए सब मिलकर चुनाव लड़ना है। इसके लिए जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके आज बात की जाएगी। साथ ही इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रीटा डागरे की भी उम्मीदवारी प्रमुख रूप से सामने है। रीटा डागरे ने कहा कि वे पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी सभी के लिए सक्रिय है और इस बार उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके नाम पर विचार कर उन्हें टिकट देगी। मैंने भी यहाँ दावेदारी करी है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका दिया जाएगा अब की बार, और मैं कांग्रेस को भारी बहुमतों से जीत के और कांग्रेस की झोली में जीत डालूंगा। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 15 से पूर्व में चुनाव लड़ चुके स्वर्गीय सुबोध शुक्ला की पत्नी भी दावेदारी कर रही हैं। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।